हे गाइस, दिस इज रघुया। लास्ट टाइम हम लोग ने प्रोसीजर फॉर वेइंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि एयरक्राफ्ट का वेइंग का इम्पोर्टेंस क्या है, बैलेंसिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसा पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ वेट, आर्म एंड मोमेंट, ये सब के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसका सेकेंड सेशन करेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि एयरक्राफ्ट का वेइंग इक्विपमेंट्स क्या है एंड बैलेंसिंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। तो व्हेनेवर यू से टॉक अबाउट विंग इक्विपमेंट्स को हम लोग स्केल बोलते हैं, जो दो टाइप के होते हैं, मैकेनिकल टाइप के भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइप के भी होते हैं। मैकेनिकल टाइप के भी फर्दर डिवाइडेड है दो टाइप में, बैलेंस वेट टाइप, स्प्रिंग टाइप। बैलेंस वेट टाइप जो का एग्जाम्पल है बीम स्केल, एंड स्प्रिंग टाइप का एग्जाम्पल है बाथरूम स्केल। तो ये स्प्रिंग स्केल है, बीम स्केल है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ बीम स्केल, जिसके अंदर आप देख सकते हो देर इज अ बीम ओवर हियर, देर इज अ प्लेटफॉर्म ओवर हियर, जिसके ऊपर आप नोस लैंडिंग एयर को, मेन लैंडिंग एयर को प्लेस कर सकते हो। एंड अगर आप देखोगे इसके ऊपर जो बीम के ऊपर जो है देर इज अ पॉइंटर ओवर पॉइंटर एट द एंड, पॉइंटर हमेशा सेंटर में रखो आना चाहिए। अगर जब भी वेट इसमें अप्लाई करते हो पॉइंटर हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, यू विल शिफ्ट दिस वेट्स। अगर आप देख सकते हो दो वेट है इधर, और निचले हिस्से में एक वेट है, ऊपर भी एक वेट है, ये 50 पाउंड्स का रहता है, ये 1 पाउंड का रहेगा। यू विल शिफ्ट द वेट इन सच अ वे दैट द पॉइंटर कम्स इन द सेंटर, वंस इट कम्स इन टू द सेंटर आप बोल सकते हो कि एयरक्राफ्ट बैलेंस्ड है, या एयरक्राफ्ट का वेट जो है, ये जो रीडिंग में जो दिखाई दे रहा है वो एयरक्राफ्ट का वेट है। तो हाउ आर यू गोइंग टू यूज़ दिस बीम स्केल, आप एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट के नोस लैंडिंग को प्लेस करोगे इधर, जस्ट इमेजिन आप एयरक्राफ्ट का लैंडिंग का वेट जो है 280 पाउंड्स है, एंड जैसे आप 280 पाउंड्स है, दिस इज़ अ 50 पाउंड्स है, इस रीडिंग जो है रीडिंग में आपको 50, 100, 150 ऐसा दिखाई देगा। तो यू विल शिफ्ट द वेट लिटरेचर्स टू 50 पाउंड्स, एंड बाकी के लिए आप बियॉन्ड उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, बिकॉज वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट इज़ 280, तो 250 के पास ही रुक जाना। अगर उसके बियॉन्ड आप जाओगे तो वेट ये पॉइंटर जो नीचे टच करना शुरू करेगा, विच आई डोंट वॉन्ट इट, इट शुड बी इन द सेंटर। तो 250 के पास आते ही आप रुक जाओगे, उसके बाद आप क्या करोगे, यू विल स्टार्ट शिफ्टिंग दिस वन विच वेज अबाउट 1 पाउंड। तो आप इसको शिफ्ट करते हुए 30 पाउंड्स के तक आप शिफ्ट करोगे, जैसे 30 पाउंड्स के पास आप इधर शिफ्ट करोगे द पॉइंटर वुड बी इन द सेंटर, दस यू कैन कैलकुलेट द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर टू बी एग्जैक्ट। तो इस तरह हम लोग पता करते हैं। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है, टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा एरर्स होने का चांस है, लिमिटेशंस है वेट लेने का, ये अपने अपने थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। और एक होता है बाथरूम स्केल, बाथरूम स्केल जो स्प्रिंग टाइप का है, इसके अंदर स्प्रिंग रहेगा, आपने इसको बहुत बार देखा भी होगा, इसके अंदर जो है स्प्रिंग रहता है, एंड एज एंड व्हेन वेट इंक्रीज होगा ये जो है स्प्रिंग के साथ जो एक पॉइंटर अटैच रहेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग, देयर इज अ डिस्क ओवर हियर, ये शिफ्ट होगा, पॉइंटर जो है सर्टन वेट को पॉइंट करेगा, दस कैलकुलेटिंग द वेट ऑफ द सर्टन एयरक्राफ्ट और ह्यूमन बींग, इस भी ह्यूमन बींग का भी वेट कर सकते हैं इससे। इसका अपने अपने नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये जो है समय के साथ जो एरर्स एक्यूरेसी कम हो जाता है इसका, ये अपने अपने नेगेटिव पॉइंट है। वेट ज़्यादा नहीं ले सकते, सिमिलर टू दैट ऑफ अ बीम स्केल, ये भी अपने आप में नेगेटिव पॉइंट है, समय का नहीं है, तुरंत हम लोग रीडिंग देख सकते हैं, बट ओवरऑल ये नेगेटिव पॉइंट है उसका। आजकल इसे हम लोग यूज़ नहीं करते, हम लोग आजकल इलेक्ट्रॉनिक स्केल ही यूज़ करते हैं। अगर आपके पास लाइट एयरक्राफ्ट है यू कैन अफोर्ड यूजिंग इट, बट विथ सम इनएक्यूरेसी। नेक्स्ट कम द इलेक्ट्रॉनिक स्केल। इलेक्ट्रॉनिक स्केल भी दो टाइप के होते हैं, प्लेटफॉर्म टाइप, दूसरा होता है जैक माउंटिंग टाइप। प्लेटफॉर्म टाइप एंड जैक माउंटिंग टाइप दोनों के अंदर जो है देर इज़ अ स्पेशल सेंसर्स नोन एज इलेक्ट्रॉनिक लोड सेल। लोड सेल का बेसिक काम क्या है, वेइंग लोड एनर्जी को आप प्रैक्टिकली आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लोड सेल का पर्पस ये है, इट विल कन्वर्ट द वेट इनटू अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, दैट्स इट्स पर्पस। इसको ये जो इलेक्ट्रॉनिक लोड सेल जो है प्लेटफॉर्म सेल में एज वेल एज जैक माउंटिंग के ऊपर जो हम लोग लोड सेल प्लेस करते हैं उसके अंदर, दोनों के अंदर आप लोड सेल देखोगे।
ये जो हैवी एयरक्राफ्ट के अंदर ये भी यूज़ कर सकते हो, लाइट एयरक्राफ्ट में भी यूज़ कर सकते हो। लोड सेल के अंदर क्या है पूछोगे तो देर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक ग्रिड विच एक्सपीरियंसेस प्रोपोर्शनल चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस एज एंड व्हेन द वेट ऑफ द एयरक्राफ्ट सर्टेन कंपोनेंट इंक्रीजेस। तो ये प्रोपोर्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस जो है आप डिस्प्ले यूनिट में भी, आप डिस्प्ले यूनिट को कैलिब्रेट करके आप द वेट आप डिस्प्ले करवा सकते हो। ये इन रेसिस्टेंस चेंज को आप कैसा यू कैन कैलिब्रेट इन सच ए वे दैट डिस्प्ले यूनिट में आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं कि वेट कितना है उधर, एयरक्राफ्ट का वेट या कंपोनेंट का वेट कितना है देख सकते हो। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। ये जो प्लेटफॉर्म टाइप के जो स्केल्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है परमानेंटली इंस्टॉल टाइप के रहते हैं, दूसरा होता है पोर्टेबल टाइप। हम लोग हैवी एयरक्राफ्ट के केस में टिपिकली परमानेंटली इंस्टॉल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्केल या प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक स्केल हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आप मुझे पूछोगे कि जब भी आप एयरक्राफ्ट को वेइंग करते हैं तो उसके अंदर और क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, तो आप पूछोगे तो देर इज़ वन अदर प्रिकॉशन, यू नीड टू फ्लैटन द टायर्स। वाई? बिकॉज एयरक्राफ्ट का बैलेंसिंग होना बहुत ज़रूरी है, लेवल कंडीशन में होना चाहिए। तो ये तुम लोग को थोड़ा सा याद रखना है। और एक चीज़ तुम लोग याद रखना है कि टायर को फ्लैटन कर दिया, आप देख सकते हैं इधर टायर्स को फ्लैटन कर दिया है इधर, जो इसको ये वाले नोस लैंडिंग गियर को अब इधर जूम इन करके बताया गया, टायर को फ्लैटन करना है आप। और एक टाइप का रहता है कि आप जैक टाइप का, और एक टाइप का होता है जैक टाइप का। जैक टाइप के केस में आप टायर को फ्लैटन करने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज टायर्स इन द मिड है, आप जैक्स को बैलेंस करके, दोनों जैक्स को आप बैलेंस कर, जो दोनों या तीनों जैक्स को बैलेंस करके आप एयरक्राफ्ट को आप बैलेंस ये एक लेवल कंडीशन में लेके आ सकते हो। ऐसे केस में उसको फ्लैटन करने की ज़रूरत नहीं है। हियर इज़ अ पिक, एक पिक है इधर आप देख सकते हो, देर इज़ अ लोड सेल ऑन द जैक एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द, देर इज़ रेड कलर का वायर आप देख सकते हो, इट इज़ कनेक्टेड टू द डिस्प्ले यूनिट, दस यू कैन रीड द डिस्प्ले कितना वेट है पता कर सकते हो। इस केस में टायर्स को फ्लैटन नहीं किया जाता है, इस केस में चोक्स की भी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में थोड़ा सा एडवांटेज है। इस केस में जो अपना चोक्स की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, उसकी वजह से इसके अंदर टेयर वेट को भी कैलकुलेट या माइनस सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में एडवांटेज है। नेक्स्ट आता है बैलेंसिंग इक्विपमेंट्स। बैलेंसिंग इक्विपमेंट्स में पहला आता है अपना स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल अगर बात करोगे तो इस केस में जो है आप स्पिरिट लेवल लुक समवर्ड लाइक दिस, ये स्पिरिट लेवल है। इसके अंदर आप तीन दो ब्लैक लाइन दिखाई देंगे एंड स्पिरिट के अंदर जो है एक आपको बबल दिखाई देगा। यू शुड सी टू इट दैट कि बबल जो है सेंटर वाले सेंटर वाले सेंटर में है, बबल शुड बी इन द सेंटर, दस वी कैन डिटरमाइन कि एयरक्राफ्ट बैलेंस है कि नहीं। तो हाउ आर यू गोइंग टू डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ दैट बबल अगर पूछोगे तो एयरक्राफ्ट मैनुअल में जो है आप कौन से जगह से आप बैलेंस कर सकते हो वो मेंशन किया जाता है। तो अगर आप देखोगे तो देर इज़ एन एयरक्राफ्ट मोनी M20 करके, एक मोनी M20 करके एक एयरक्राफ्ट है जिसके अंदर जो है आप देर आर टू स्क्रूज ओवर दैट, देर आर टू स्क्रूज बोला गया है कि वो स्क्रू के ऊपर ही आपको स्पिरिट लेवल को प्लेस करके आप चेक करना है कि स्पिरिट लेवल ठीक से सेंटर में है कि नहीं चेक करना। ऐसा नहीं है किधर भी रख दोगे आप स्पिरिट लेवल आप चेक कर सकते हैं, देर इज़ अ स्पेसिफिक पोजीशन स्पेसिफिक पॉइंट्स जहां पे स्पिरिट लेवल को प्लेस करना है, वहीं पे ही आप चेक करोगे कि वो बैलेंसिंग कंडीशन में है कि नहीं। ऐसा नहीं है किधर भी रखना है, जैसे मैं बोलता हूँ कि जैकिंग करते हुए सर्टन स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, एयरक्राफ्ट को जैक भी करना सर्टन स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं वहीं पे आप जैक कर सकते हो। सिमिलरली जब आप स्पिरिट लेवल बैलेंसिंग करते हो तो स्पेसिफिक जगह होता है जहाँ पे आप बैलेंसिंग करोगे, ऐसा नहीं है कहीं पे भी जो करोगे आपको बैलेंसिंग पॉइंट मिल जाएगा, बिकॉज देर आर वेरियस कर्व्स एंड विद इन ऑन द एयरक्राफ्ट। ऐसा तो इसकी वजह से आप वो सर्टन जगह में नहीं लग सकते जहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने रिकमेंड किया है आपको स्पिरिट लेवल उधर प्लेस करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं करके आपको बताया गया है, वहीं पे आप स्पिरिट लेवल को प्लेस करके आप कैलकुलेट
कर सकते हो कि एयरक्राफ्ट का वेट एंड ऑल क्या है, एयरक्राफ्ट का बैलेंसिंग कंडीशन क्या है वो पता कर सकते हो, वेट नहीं बैलेंसिंग कंडीशन क्या है आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द प्लम्ब बॉब। प्लम्ब बॉब जो है आपने बहुत बार देखा भी होगा मिस्त्री के पास, तो प्लम्ब बॉब इज़ नथिंग बट हैवी मेटल ऑब्जेक्ट, इट मे बी सिलेंड्रिकल और कॉनिकल एंड इट्स एंड इज टिपिकली शार्प एंड स्ट्रिंग इज अटैच टू द अदर एंड। तो अगर आप देखोगे दिस इज़ अ प्लम्ब बॉब, अगर देख सकते हो इधर ये प्लम्ब बॉब है, इस केस में क्या किया जाता है, आप आपको डेटम लाइन पता है, वी विल गेट टू नो वेयर द डेटम लाइन इज विद द हेल्प ऑफ द फ्लाइट मैनुअल, यू ऑल्सो नो द सेंट्रल पोजिशन ऑफ द लैंडिंग गियर, मेन लैंडिंग गियर का सेंटर पोजिशन क्या है पता कर सकते हो। दोनों जगह में आप क्या करोगे, एक प्लम्ब बॉब को हैंग करोगे, दोनों जगह में प्लम्ब बॉब को हैंग किया जाएगा एंड जहाँ पे प्लम्ब बॉब ज़मीन को टच कर रहा है उधर जो है एक मार्किंग किया जाएगा। यू विल मार्किंग करने के बाद आप क्या करोगे, यू विल ट्राई टू कैलकुलेट द आर्म ओवर हियर एंड यू विल ट्राई टू मैच इट विद द आर्म विच इज़ गिवन इन द फ्लैट मैनुअल। इफ एट ऑल इट इज़ मैचिंग यू कैन से दैट द एयरक्राफ्ट इज़ बैलेंस्ड, इफ एट ऑल इट इज़ नॉट यू कैन से दैट कि एयरक्राफ्ट इज़ नॉट बैलेंस्ड एनी मोर, दैट्स हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। नेक्स्ट कम्स द हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर केस में क्या होता है, हाइड्रोमीटर जो है टिपिकली फ्यूल का वेट पता करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। हाइड्रोमीटर जो है इट इज़ यूज फॉर वेइंग द फ्यूल, टू बी एग्जैक्ट उसका डेंसिटी पता करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस केस में देखेंगे तो आप नोटिस करोगे कि एयरक्राफ्ट का गैसोलीन स्टैंडर्ड वेट ऑफ द एविएशन गैसोलीन जो होता है दैट इज़ एवगैस जो है 6 pounds per gallon होता है एंड 6.7 pounds per gallon जो है जेट फ्यूल का रहता है। बट एज एंड वैन आप हॉट कंडीशन में जाते हो, कोल्ड कंडीशन में जाते हो, तो ये चेंज होता है, डेंसिटी जो है चेंज होता है। वो डेंसिटी चेंजेस को आप कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोमीटर। तो टिपिकल हाइड्रोमीटर एफ गैस का जो वेट वेट डेंसिटी जो है वो टिपिकली 5.85 से लेके 5.9 पाउंड्स पर गैलन रहता है इन केस ऑफ हॉट समर डे। आप ये सब जो है हाइड्रोमीटर से आप पता कर सकते हो, वेट ऑफ द फ्यूल पर गैलन जो है आप हाइड्रोमीटर से पता कर सकते हैं। दस कम्स एंड ऑफ द टॉपिक। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे पूछिएगा।